इस वक्त डॉक्टर खाकान साहब, आप ये बड़ी बड़ी ग्रिम सिचुएशन आप दिखा रहे हैं, लेकिन उस ग्रिम सिचुएशन में भी एक होप कम अज कम नजर आ रही है। बट व्हाट वुड यू से कि हमारे इकोनॉमिक बैलून में इस वक्त एक कैपेसिटी है कि हम ये $32 बिलियन जो आप कह रहे हैं ये हम जमा कर सकें इस वक्त? अगर IMF होगा तो ये $32 अरब आपको मिल जाएंगे कहाँ से? आपके वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, IDB ये आपको कुछ पैसे दे देंगे जो एक बड़ी रकम होगी। चाइना और सऊदी अरेबिया रोल ओवर कर देंगे, और सऊदी अरेबिया आई हैव नो डाउट ऑन व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड कि अथॉरिटीज उनसे $3 अरब की एक निगोशिएशन में है। आई हैव ऑल्सो हर्ड के इन कमिंग डेज मे बी दैट विल गो थ्रू। ये आपको एक बजटरी सपोर्ट फराहम कर देगा, एक डिपॉजिट आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, इससे आपको कुछ पैसे आ जाएंगे। फिर आपने ये करना है कि कुछ पैसे कमर्शियल हैं, कमर्शियल से गरीदा साहिबा ये मतलब है कि बहुत से UAE के बैंक्स हैं वो हमें लोन करते हैं, उनको एक तरह से हम रोल ओवर ही करा लेते हैं। ये मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मैंने इन दोनों गवर्नमेंट्स के साथ सर्व किया है, जस्ट यू नो बोथ PTI एंड PMLN, और बहुत यू नो थिक एंड थिन सर्व किया है इनके साथ। इनका रोल ओवर भी इतना मुश्किल नहीं होगा जब ये चीजें हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि बॉन्ड हम अपना फ्लोट नहीं कर पाएंगे, हमने कुछ पैसे बॉन्ड के रखे हुए हैं, कुछ पैसे हमने FDI के रखे हुए हैं, जैसे अभी हारून साहब सही कह रहे थे, FDI भी मेरा ख्याल है कि $2 बिलियन हमने रखी हुई है, वो भी नहीं आएगी, इसको हमें अकोमोडेट फॉर करना पड़ेगा कहीं और से। अगर ये सब हम चीजें कर लेंगे तो हम ये FY23 गुजार लेंगे और फिर हम रिपेयर करना शुरू करें अपनी इकोनॉमी को।